नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों साइंस विज्ञान, उसके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग को पढ़ना क्या है साइंस में, हम लोग देखेंगे हमारे जो साइंस पोर्शन में फिजिक्स में जो देता है साथियों मेजरमेंट, मेजरमेंट अर्थात मापन, बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। किसी भी आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, साइंस से जो पोर्शन पूछता है हम क्या करेंगे उसको एक एक करके समझेंगे और डेली उसको लेके चलेंगे। और क्या करेंगे, पहले उसके तथ्यों को जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे हम प्रश्नों को भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो साथियों आज हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, मापन से। मापन होता क्या, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, इसमें जो जो चीजें दी रहती है उसके बारे में प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, आगामी जो भी आपके एग्जाम है उसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्न साइंस की जो भी बनेंगे इसके अंतर्गत क्या होते हैं, आते हुए दिखते हैं। तो क्या होता है साथियों, हम लोग क्या करेंगे एक एक करके उसको समझेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हम लोग उसका क्या करेंगे विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या करेंगे, जितनी भी टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे, टॉपिक के अंत में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वाइज हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे बनते होंगे लगभग प्रश्नों को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते साथियों, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक हमेशा पूछी जाती है कि मेजरमेंट होता क्या है। हम लोग पढ़ते हुए भी आए होंगे मेजरमेंट, मापन के बारे में। तो चलिए समझते हैं मापन क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे जो जो चीजें, और भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे मेजरमेंट में दी है एक एक करके उसको देखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों आज हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे मापन, मापन होता क्या साथियों, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मापन क्या होता है अर्थात मेजरमेंट। चलिए देखते हैं, जैसे कहा गया है किसी भी चीज को मापने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है साथियों। जैसे आप क्या करेंगे, दूध को मापते हैं, कोई अनाज लेने जाते हैं, कोई कार्य मतलब किसी भी सामान को या सामग्री को आप लेने जाते हैं, वस्तु को, तो क्या अगर दैनिक जीवन में मापने की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं मापन क्या होता है। कहा गया साथियों किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। तो सबसे बड़ी चीज साथियों हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं ये हम लोग क्या कर रहे थे, हम बेसिक चीज को लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है साथियों परीक्षा में बेसिक चीजों से भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिक चीजों से लेकर इसमें आगे चलते रहेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। देखिए बहुत सिंपल भाषा में कहा गया है किसी भी पदार्थ, वस्तु इत्यादि, व्यक्ति अथवा क्षेत्र में विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि को मापने, इसके संख्यात्मक मान में अगर शुद्ध मान में व्यक्त करना है तो वही हमारा क्या कहलाता है, मापन। उदाहरण स्वरूप जैसे सब्जियों के भार को किलोग्राम में, आप जाते हैं बाजार में सब्जी लेने तो किस इस प्रकार से लेते हैं, भाई हमको एक किलो ये सब्जी दे दीजिए, किलोग्राम में आप लोग क्या करते हैं खरीदारी को करते हैं। फिर कहा गया दूध की मात्रा को लीटर में, हम दूध लेने जाते हैं इसकी मात्रा कितने कहते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो दूध की मात्रा को हम लोग लीटर में व्यक्त करते हैं। आगे कपड़े की लंबाई को मीटर में दर्शाना आदि, कपड़े की जो लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं, कितना मीटर हमको कपड़ा चाहिए तो उसको मीटर में दर्शाना, ये सब चीजें हमारे किससे संबंधित, तो मापन से ये सब चीजें संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं, और देखते हैं इसके आगे हमारा दिया अगला भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है भौतिक राशियां होती है। आगे दिया है भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे वर्गीकृत किसमें किसमें किया है। तो पहले देखेंगे अदिश राशियां, सदिश राशियां, इनको भी देखते हैं। तो व्युत्पन्न जितनी भी राशियां साथियों सबको हम देख के चलेंगे। तो पहला हमारा क्या है अदिश राशियां। चलिए बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है अदिश राशियां क्या होती हैं, इसके उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण देके आपको प्रश्न बनते हैं कि किस राशि के है, सदिश है कि अदिश है, उसमें देके पूछता है चारों ऑप्शन में। तो चलिए समझते हैं इसे, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन राशियों को हम क्या कहते हैं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। अब समझते हैं अदिश राशियों से प्रश्न क्या बनते हैं कि इनके उदाहरण देके इसे पूछता है कि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय ये कौन सी राशि है, ये क्या है साथियों अदिश राशि है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा दिया सदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे देखिए, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, जो हम लोग साथियों बहुत कंफ्यूजन होती है अधिश राशियों सदिश राशियों में, चलिए हम लोग इसको ट्रिक से समझते हैं। इसकी ट्रिक जो हमारी जो दी गई है अधिश राशियां सदिश राशियां, इनको याद करने की हम लोग ट्रिक देखते हैं, कौन सी हमारी ट्रिक है उसको लेके समझते हैं। ठीक है, ट्रिक में क्या दिया उसको हम लोग देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक में क्या है हमारा। तो पहला ट्रिक अगर हम बात करते हैं किसकी, अधिश राशियों की। अधिश राशियों की एक ट्रिक होती साथियों, हम लिखते हैं उसको देखते हैं, उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या है, अधिश राशियों के लिए पहले लिखते हैं, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को क्या दो साथियों, चाबी दो। है किसकी ट्रिक है, तो किसकी ट्रिक, अधिश राशियों। चलिए देखते हैं, जैसे उस हमारा क्या हो जाएगा, चाहे आप उष्मा कह लीजिए चाहे ऊर्जा कह लीजिए, उष्मा या ऊर्जा, इसके बाद समय, आयतन, फिर क्या होगा द्रव्यमान, फिर क्या होगा ताप, फिर क्या होगा साथियों कार्य, फिर क्या होगा चाल, फिर हमारा क्या होगा चाल के बाद क्या होगा साथियों विद्युत धारा, इसके बाद हमारा क्या अगला दो से क्या हो जाएगा साथियों दूरी। ठीक है, अब इसको याद करने की देखिए जितनी भी कंफ्यूजन होती है यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अगर हम लोग ट्रिक याद कर लेंगे, उस आर्द्रता को चाबी दो, तो इससे क्या होंगे अधिश राशियां जितनी भी होंगी वो हमारी क्लियर हो जाएंगी। उष्मा कहिए, ऊर्जा कहिए, समय, आयतन, इसके बाद द्रव्यमान, ताप, कोश, कार्य, चर से चाबी हमारा चाल हो जाएगा, और विद्युत धारा, फिर दूरी। ये किसके लिए है, तो अधिश राशियों के लिए। चलिए सदिश राशियों के लिए भी देख लेते हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, उनकी ट्रिक क्या है साथियों, वे तब भावी। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, वे से क्या हमारा हो जाएगा वेग, त से हमारा क्या हो जाएगा त्वरण, इसके बाद हमारा हो जाएगा बल, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भार, फिर हमारा क्या हो जाएगा विस्थापन, इसके बाद और भी चीजें कोणीय संवेग, कोणीय वेग, बल, आघूर्ण, ये सब क्या होंगे हमारी सदिश राशियां होंगी। तो साथियों ये क्या थी हमारी अधिश राशियां और सदिश राशियों, जिनको बहुत बार परीक्षा में बहुत साथियों कंफ्यूजन होती है उसकी क्या होती है ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारी चीजें जो दी गई है एक एक करके उसको समझते हैं। आगे देखेंगे मूल राशियां के बारे में अध्ययन करते हैं, मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियां हमारी क्या होती है उसको देखते हैं। तो मूल राशियां, ठीक है, जिन राशियों को अभिव्यक्त अन्य भौतिक राशियों पर, जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर ना होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तथा इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियां कितनी होती साथियों, सात प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं साथियों जो दी गई हमारी राशियां हैं, पहला क्या है लंबाई, समय, फिर ताप है, फिर द्रव्यमान है, फिर विद्युत धारा है, फिर ज्योति तीव्रता है, फिर पदार्थ की मात्रा है। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं किसमें मापा जाता है उसको देख लेते हैं। तो लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, विद्युत धारा को एम्पियर में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और लास्ट हमारा क्या है पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये जो हमारी राशियां होती हैं इनको ये मापने के जो प्रणाली दी गई है इसमें क्या होता है हमेशा पूछा जाता है कि किसको किसमें मापा जाता है। तो लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, फिर विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं।
आगे दी गई व्युत्पन्न राशियां साथियों, व्युत्पन्न राशियों को हम लोग समझते क्या होते हैं, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की सहायता से जो राशियां व्यक्त की जाती हैं वही राशियां हमारी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती, जो हमारी मूल राशियां होती साथी वो क्या होती है, स्वतंत्र राशियां होती हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती हैं बल्कि मूल राशियों पर निर्भर करती। जैसे उदाहरण चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या होती साथियों, व्युत्पन्न राशियां के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे पूरक राशियां, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है इसको देखते हैं। तो समतल कोण तथा घन कोण ऐसी दो राशियां हैं जो न तो मूल राशियां की श्रेणी में आती है और न ही व्युत्पन्न राशियां की श्रेणी में आती है, अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया। बहुत बार पूछा जाता है कि पूरक राशियां कौन कौन थी, पूरक राशियां दो होती है, एक समतल कोण तथा दूसरा घन कोण। ये राशियां आप लोग याद करिएगा, ये न व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती है और न किसके अंतर्गत, न मूल राशियों के अंतर्गत, न मूल न व्युत्पन्न, ये क्या होते हैं, अलग से इनको बांटा गया, किसमें, पूरक वर्ग में बांटा गया, पूरक राशियों में बांटा गया है समतल कोण और घन कोण को। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की मापन दो घरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है, उस राशि का संख्यात्मक तथा उस राशि का मानक मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक संख्यात्मक मान होता है, पूछता है ये भी क्या होता है, संख्यात्मक मान को हम लोग देखेंगे कि संख्यात्मक मान वह मान है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। ध्यान से देखिए साथियों, संख्यात्मक मान हमारा यही कहता है कि जिस राशि में सम्मिलित हुआ तो वह कितनी बार सम्मिलित हुआ है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमारा क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे मात्रक। अब देखते हैं ये भी टॉपिक पूछी जाती है, मात्रक से भी क्या होते हैं। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है, मूल मात्रक। चलिए मूल मात्रक को समझते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से संबंध हो मूल मात्रक कहलाते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से संबंध हो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया सकता। उदाहरण जैसे मीटर होता है, किग्रा, सेकंड, केल्विन, कैंडेला इत्यादि, ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, तो मूल मात्रक के उदाहरण है। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा दिया है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते बल्कि अन्य मात्रकों पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, आदि राशियों के मात्रक इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा दिया है अगला मापन या मात्रक पद्धतियां। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः कितनी पद्धतियां हैं, तो चार पद्धतियां हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं मापन पद्धतियां। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, तीसरा हमारा है एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई पद्धति, जो आपका अभी ये चल रहा है। तो सीजीएस पद्धति में क्या करते हैं साथियों, इसमें क्या किया जाता है कि समय क्या करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम को किलोग्राम में और समय को सेकंड में दर्शाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है साथियों, फुट, पाउंड, सेकंड हमारा होता है। एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। फिर एसआई पद्धति, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम इसको कहते हैं, जो अभी चल रही है 1971 से आपकी ये क्या होती है, चल रही है हमारी यही एसआई पद्धति जो हमारी दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे साथियों कोटिमान। कोटिमान क्या होता है इसको भी देखते हैं। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात में के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का क्या कहते हैं, कोटिमान कहते हैं। जब किसी राशि को परिमाण के उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो जो संख्या लिखी जाती है 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। जैसे 3394 को लिखा गया, देखिए 3.394 × 10 के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका कोटिमान इससे 3.3, जो यहाँ क्या होगा 10 की घात 3, तो कोटिमान इसका कितना होगा, 3, यही क्या होगा इसका कोटिमान होगा। कोई भी राशि आप ले लीजिए, जैसे दे दिए, इसमें भी क्या होगा, तो जो कोटिमान इसका होगा तो क्या होगा, 4.494 × 10 की घाते
और कोई संख्या ले लीजिए, 9, 6, 7, 6, 5, इसमें भी ले लीजिए, इसका हो जाएगा 9.6765 × 10³ कितना हो जाएगा, 4। ये सब क्या, ये जो हमारा 4 और 3 ये सब दिखाई दे रहे हैं, यही क्या होंगे, हमारे कोटिमान कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे साथियों, हमारा इसी में दिया है सार्थक मान या अंक क्या होता है, इसको देखते हैं। सार्थक मान या अंक, किसी राशि की माप को ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है 98.76 में सार्थक अंकों से संख्या 4 है, तथा 0.00530725 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6 है। 1, 2, 3, 4 इसमें कितनी संख्या है, तो 4 है सार्थक अंकों की। इसमें देखिए यहां से काम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें कितनी है, तो 6 संख्या है सार्थक अंकों की। ठीक है, तो ये थे सार्थक अंक। इसके बाद देखेंगे साथियों कुछ मापन दिए गए हैं, जैसे खगोली दूरियों का मापन दिया गया है। चलिए, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा था, खगोली दूरियां जो उनके मापन को बार बार आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पहला दिया प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष काफी बार परीक्षा में इससे प्रश्न बने हुए हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.4667 × 10¹⁵ मीटर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष बराबर कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.4667 × 10¹⁵ मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। आगे चलते हैं, दूसरा दिया है खगोली इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिससे AU से हम लोग दर्शाते हैं, किससे, तो AU से दर्शाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से खगोली इकाई, खगोली दूरी कहते हैं इसे। चलिए देखते हैं, यह भी दूरी का मात्रक, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोली इकाई कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जो होती है साथियों, वही हमारी खगोली दूरी कहलाती है। तो इसमें दिया है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, 1.496 × 10¹⁷ मीटर। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसको ध्यान दीजिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितनी होती है, 1.496 × 10¹⁰ मीटर होती है, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा दिया है पारसेक, पारसेक क्या होता है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर एक पारसेक बराबर हम क्या कहते हैं, 3.26 × 10¹⁶ मीटर। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ये, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आप इस चीज को नोट कर लेंगे। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर इसी को कह सकते हैं पारसेक बराबर 3.26 × 10¹⁰ मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे साथियों, अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक देखे हैं, चलिए हम लोग जितने भी मापन संबंधित थे हम लोगों ने उसको क्लियर कर लिया। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमारे, अब चलिए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम पहले ही बताए थे जितनी जो भी टॉपिक लेंगे उसके बाद हम लोग क्लास में क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा, हम लोगों ने जो देखा है उसी से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहला दिया है पास्कल, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल आपकी किसकी इकाई है साथियों, क्या आर्द्रता की, क्या दाब की, क्या वर्षा की, कि तापमान की, पास्कल किसकी इकाई है साथियों। इसमें ऑप्शन हमारा जो बी दिया है दाब की, यही क्या होगा, सही होगा। अभी पीछे हम लोग देख के आए हैं थ्योरी में पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की। आगे देखेंगे कंडेला, कंडेला को भी हम लोगों ने पढ़ा, कंडेला किसका मात्रक होता है, हम लोग मात्रक में देखे थे, तो कंडेला किसका मात्रक है, क्या ज्योति फ्लक्स का, क्या ज्योति प्रभाव का, क्या ज्योति दाब का, कि ज्योति तीव्रता का। तो इसमें क्या होता है, कंडेला हम लोग बताए थे, कंडेला पदार्थ की मात्रा का मोल, इसके बाद लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, हम लोगों ने क्या किया था, समय का सेकंड, मतलब पूरा जितने भी दिए गए तो उसमें एक एक करके हम लोगों ने इसको देखा था। तो इसमें क्या होगा, ज्योति तीव्रता का, कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ये बहुत बार प्रश्न इससे मिले हुए हैं। ठीक है, इसको देखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला दिया हमारा मिलाने के लिए दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। पहला दिया हाइग्रोमीटर, पहला क्या दिया है हाइग्रोमीटर, दूसरा यहां पे ये रोमीमीटर नहीं रहेगा, स्फैग्नोमीटर रहेगा, स्फैग्नोमैनोमीटर ये रहेगा हमारा, ये नहीं रहेगा। तो हाइग्रोमीटर क्या
इसको देखते हैं, सूची वन सूची दो को मिलाना है। पहले में दिया हाइग्रोमीटर, दूसरा दिया स्फेग्नोमीटर, तीसरा दिया वोलोमीटर और चौथा दिया पायरोमीटर। इधर हमारा दिया विकिरण ऊर्जा वायुमंडली, ये क्या दिया है वायुमंडली आद्र ऊर्जा रहेगी, ये भी उच्च ताप दिया है और इसके बाद रक्त दाब दिया है। तो पहले इसमें किसमें जाए, हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है आपका, तो ये किससे साथियों वायुमंडल से। और इसके बाद क्या होता है स्फेग्नोमीटर, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है स्फेग्नोमीटर किसका मात्र किससे मापा जाता है, तो रक्त दाब मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद वोलोमीटर क्या होगा साथियों, वोलोमीटर हमारा क्या होगा विकिरण ऊर्जा होगा। इसके बाद हमारा पायरोमीटर क्या होगा, ये उच्च दाब होगा। तो पहले का दो, इसके बाद क्या होगा साथियों दूसरे का चार और तीसरे का क्या होगा एक, तीसरे कितना होगा दो चार क्या होगा साथियों दो चार तीन एक, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन हमारा कौन सा ऑप्शन सही देखिए दिया है दो चार एक तीन, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा यहां पर सही होगा दो चार एक तीन, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब जाएगा, स्फेग्नोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है, वोलोमीटर से विकिरण ऊर्जा मापी जाती है, इसके बाद क्या होता है पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आवेग का मात्रक है, आवेग का मात्रक क्या है साथियों, इसको देखते हैं आवेग का क्या न्यूटन है, क्या न्यूटन सेकंड है कि बार है कि डाइन है। तो आप लोगों को अभी हम बताए हैं आवेग किसका मात्रक है, तो न्यूटन सेकंड का ये मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया इसको देखिए, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, क्या मात्रक है साथियों, क्या रेडियन है, क्या स्टेरेडियन है, क्या मीटर है, क्या सेंटीमीटर। तो हम पहले बताए हैं इसमें क्या होते हैं, जो हमारे पूरक राशियां जो होती हैं उसको मापा गया था साथियों, उसमें किसी न व्युत्पन्न राशियां होती ना मूल राशियां होती, हमारे कौन कौन से थे, एक क्या थे समतल कोण था और एक क्या था घन कोण था, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो कोणीय वेग किसका मात्रक है, रेडियन का मात्रक है अगर बात करें, और घन कोण किसका है स्टेरेडियन का, घन कोण किसका है तो स्टेरेडियन का है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, पहला ही ऑप्शन जो दिया है हमारा क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न फिर वही सूची एक को सूची से दो मिलाना, कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं और इधर उसके मात्रक दिए गए हैं, कुछ भौतिक राशियां और मात्रक दिए गए हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो त्वरण देखिए, इधर दिया त्वरण बल कार्य आवेग, इधर दिया जूल न्यूटन प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड और न्यूटन, चलिए देखते हैं त्वरण का क्या होगा, त्वरण किसमें है, त्वरण किसका है तो ये मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये किसका है मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड का, और बल किसका है, बल किसका है न्यूटन का, कार्य किसका है तो जूल का, और आवेग किसका है तो साथियों न्यूटन प्रति सेकंड का। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जितने भी कराए जा रहे साथियों परीक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, और एक प्रश्न से कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो त्वरण किसका है मीटर प्रति सेकंड का, और इसके बाद बल किसका है साथियों तो न्यूटन का, कार्य किसका है तो जूल का, आवेग किसका है तो न्यूटन प्रति सेकंड का, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, पहला ही ऑप्शन तीन चार एक दो, तीन चार एक दो जो पहला ऑप्शन दिया वही क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, डेसिबल, क्या डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई कहलाती है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई कहलाती है, क्या समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, क्या डॉप्सन उष्मा की इकाई है। तो डेसिबल ध्वनि की इकाई बिल्कुल सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौकायन नव संचालन में दूरी मापने की इकाई है, लेकिन डॉप्सन ये उष्मा की इकाई नहीं होती साथियों, ये किसकी होती है तो ओजोन परत की इकाई होती है, ओजोन परत मापने की इकाई हमारी क्या कहलाती है डॉप्सन। नहीं पूछा तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा जो डी दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बाकी उष्मा की इकाई तो आपकी जूल होती है, ये सब चीजें इसमें अंतर्गत शामिल होती है, पूछा था नहीं तो ये क्या होती है ऑप्शन ओजोन परत मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पार्श्विक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, अभी पढ़ाए थे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता था, अभी हम लोगों ने देखा है 3.38 प्रकाश वर्ष, 3.18 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष या 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन हमारा यही डी वाला जो दिया 3.26 प्रकाश वर्ष हमारा यही क्या होगा सही होगा। ऑप्शन हमारा जो दिया है क्या 3.26 × 10 की घात 16 कर सकते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष हमारा क्या होगा एक पार्श्विक, ये पार्श्विक बराबर होता है।
ठीक है। तो साथियों हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने मापन को समझा। मापन से जितने भी लगभग आपके प्रश्न बनते होंगे, जो भी चीजें अगर देते होंगे परीक्षा की दृष्टि से, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते होंगे उसके दृष्टि से बहुत ही आवश्यक टॉपिक थी। इसके बाद साथियों हम लोगों ने क्या किया, जो प्रश्न उससे संबंधित प्रश्नों को भी देखा। ऐसे हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हुए आगे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।